हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चिस वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्चिस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ के साथ कर रहे होंगे फुल्ली मज़े। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ईजी मेथड के साथ। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, खाकर बस मज़ा ही आ जाएगा और बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं। कभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में कभी कुछ खाने का मन करे हल्का फुल्का, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही हल्के मसाले वाली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है ये रेसिपी। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, आर्चिस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ दिया गया बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है। इसके अंदर मैं एक गिलास पानी को ऐड करूँगी जिसमें ये पास्ता जो है वो अच्छे तरीके से डूब जाए। और उसके बाद इसके अंदर आधा चम्मच सॉल्ट यूज़ करेंगे और एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसके बाद गैस की फ्लेम फुल करके उस पर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल का यूज़ करने से मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपकते नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाती है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये गैस के ऊपर मैंने रख दिया है। इसको 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा उबलने में और 5 से 7 मिनट तक जब तक ये उबलते हैं तब तक हम बाकी की। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसके अंदर इतना ही पानी ऐड किया है जिसके अंदर सारी मैक्रोनी जो अच्छी तरीके से डिप हो जाए। इसके बाद जो है बाकी की हम प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोनी अच्छी तरीके से उबल चुकी है, तो इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे और ठंडे पानी से छान के इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ठंडा पानी ऐड करने से एक फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको छान के एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे पास्ता को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर हम कुछ वेजेस का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी वेजेस यहाँ पर इसके अंदर ऐड की हैं, तो चलिए उनको हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड, जब तक हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे तब तक ये पास्ता जो है ये भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे जिससे कि इनको बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में 15 से 16 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, सारे पास्ता को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये मैक्रोनी बनाने का मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरीके से मैक्रोनी बनाना पसंद करती हूँ और खाना खिलाना पसंद करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेथड है मेरा मैक्रोनी बनाने का, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि कैसी बनी है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, इसको छोटे छोटे स्लाइस में कट किया है। एक शिमला मिर्च है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ग्रीन लीव्स गार्लिक है, आधा मैंने कैबेज का यूज़ किया है, पत्ता गोभी और एक अनियन है, इसको लंबे स्लाइस में कट किया है। तो आप अपनी पसंद के वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वेजेस इस वक्त मेरे पास थी तो मैंने इन सब का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं पैन के अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने इसको सबसे पहले ऐड किया है अनियन और ग्रीन चिली। इसको 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, इसको पूरा ब्राउन नहीं करना हमें। 2 से 3 मिनट के बाद एक एक करके हम सारी वेजिटेबल्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर शिमला मिर्च, हरी लहसुन, टमाटर, पत्ता गोभी, जो भी वेजिटेबल्स थी हमने जो कट की थी इसके अंदर ऐड करने के लिए, वो सारी सब्जियों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक चलाएंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी, ये सब्जियाँ जो है वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है हमारी मैक्रोनी के अंदर। तो बस इसको 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है रेसिपी ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ता गोभी जो है वो भी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर और
और सबसे लास्ट में इसके अंदर हमने ऐड किया है टमाटो। तो बस इसको हम चलाएंगे 5 से 6 मिनट तक, और इसके बाद हम इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ करेंगे। आप बिना सॉस के भी इसको खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। और अगर आपको मसाले के साथ अच्छा लगता है तो आप इसमें सॉस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद के साथ खाने वाले हैं। ये देखिए सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी भुन चुके हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप देख सकते हैं इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हैं तो इसके अंदर मैक्रोनी मिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर को ऐड कर दिया है। हल्दी के बाद हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करेंगे। नमक के बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 चम्मच काला नमक, आप देख सकते हैं। और 1 पैकेट मैंने इसके अंदर यूज़ किया है पास्ता मसाला, आप देख सकते हैं। बस इन सब मसालों को हम 1 मिनट के लिए चलाएँगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर मैक्रोनी। जी हाँ, बस बहुत ही हल्के मसाले, मैंने आपको बोला था बहुत लाइट मसाले का यूज़ करने वाले हैं मैक्रोनी के अंदर। तो हमारे सारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ किया है, जिससे बहुत ही प्यारा सा इसका लाइट सा कलर आने वाला है, अट्रैक्टिव सा। तो इसके बाद हम मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि सारे मसालों का टेस्ट और फ्लेवर जो है, और सारी वेजिटेबल्स का फ्लेवर जो है वो मैक्रोनी के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं पैन के अंदर पहले मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी डाल के चलाई है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर रेड चिली पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड किया है और मैक्रोनी को इस पैन के अंदर ऐड कर दिया है। और सबसे लास्ट में मैंने इसके अंदर पास्ता मसाला ऐड किया है, और बस इसके बाद इसको चलाना है 4 से 5 मिनट में। बस हमारी मैक्रोनी बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी है मेरी प्यारी सी रेसिपी, मेरी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो आप देख सकते हैं चलाने के बाद जब मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है तो कुछ इस तरीके का लुक आया है इसका। बस यहाँ पर हमने गैस की नॉब को कर दिया है ऑफ और अब अपनी प्लेट को करते हैं तैयार। तो देरी किस बात की है, आ जाए आप भी और टेस्ट करें, बताएं मुझे कैसी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉस और मेयोनीज के साथ डेकोरेट किया है और थोड़ा सा चाट मसाला हल्का सा ऊपर से इसके ऊपर डाला है। तो बस टेस्ट कर लें आप भी और बताएं कैसी बनी है, और मुझे अपना फीडबैक तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक न्यू और प्यारी यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच यम्मी यम्मी न्यू रेसिपी आर्चिस वर्ड।